पुतिन के वज़ीर-ए-आज़म बनने के कुछ अरसे बाद ही चेचनिया में हालात बिगड़ गए और मुकामी शिद्दत पसंदों ने रूस के 300 फौजियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके खिलाफ जब पुतिन ने सख्त इकदाम उठाए और इन शिद्दत पसंदों को शिकस्त फाश दे दी तो यूं रूस में पुतिन को एक ताकतवर और ज़हीन हुक्मरान के तौर पर देखा जाने लगा। बस यही वो वक्त था जब पुतिन की किस्मत ने पलटा खाया और उन्हें वज़ीर-ए-आज़म से सदर बनने में ज़्यादा वक्त ना लगा और अगले 8 सालों के लिए भी वो सदर रहे। पुतिन की ज़ेर सदारत रूस के हालात बदलना शुरू हुए। रूस के जीडीपी का ग्राफ बढ़ता ही चला गया। महंगाई 36% से घटकर सिर्फ 6% तक रह गई और लोगों की औसत आमदन 25% तक बढ़ गई। लेकिन रूस के ये हालात अच्छी पॉलिसी मेकिंग की वजह से नहीं बल्कि तेल की वजह से बदले थे। पुतिन इस वजह से खुशकिस्मत साबित हुए कि इनकी सदारत के अरसे में तीसरे सनती इंकलाब के असरात के नतीजे में तेल की कीमतें ज़मीन से आसमान